हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर मैं बनाती हूँ ट्विन फ्लेम्स रिलेटेड पॉडकास्ट्स। यहाँ पर मैं जो कोई भी कंटेंट शेयर करती हूँ वो सारा का सारा डिवाइन के चैनलिंग्स के थ्रू, उनके गाइडेंस के अंडर और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से शेयर करती हूँ। इसमें अगर कोई एनर्जी आपके साथ रेजोनेट ना करे तो आप उसे लेट गो कर दीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे एनर्जी अपडेट के बारे में, और अभी जो है न्यू मून आ रहा है तो उसकी क्या एनर्जी रहेगी। सो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। कुछ दिनों पहले गाइस हमारा फिफ्थ को फुल मून था, तो उस ड्यूरेशन जो है आप में से कई DMDFs ने बहुत मेजर ट्रिगर्स जो है फेस किए होंगे। वो टाइम थोड़ा डिफ़िकल्ट था, उसके बाद भी थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा था, लेकिन दो तीन दिन पहले जो है एनर्जी जो है स्विच हो गई थी। इस एनर्जी में जो है आपने बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव फील किया होगा। आपको ऐसा लगा होगा कि आपके अंदर जहाँ कहीं भी आप ज़्यादा गुस्सा करते थे, आपके DM के ऊपर, आपके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर, या फिर आपको बहुत ज़्यादा चीड़ आती थी किसी बात से, बहुत ज़्यादा आप ट्रिगर हो जाते थे, तो आपको ऐसा रियलाइज़ हुआ होगा कि वो चीज़ जो है उसको आप अच्छे से अब अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, उसे एक ट्रिगर समझ के आप ले पा रहे हो और उसे अफेक्ट अब आप ज़्यादा नहीं हो रहे हो। तो इस तरह से जो आपका ये चिड़चिड़ापन था और गुस्सा आना वगैरह, ऐसी चीज़ें थी आप ट्रिगर हो जाते थे, तो उन चीज़ों के लिए यूनिवर्स से आपको एनर्जी रिसीव हुई है जिसे आप जो है अपने आप को काल्म रख सको, शांत रख सको और उसके साथ जो है उसे सोच समझ के अच्छे से डील कर सको। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चेंज जो है आ गया है। इससे आप जो है आपके DM के साथ या फिर जिस किसी से भी आप ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हो उनके साथ आप ज़्यादा ट्रिगर नहीं होगे। आप सिचुएशन को जो है अच्छे से एक्सेप्ट करोगे, उसे समझ पाओगे। अगर आपके साथ मेरे एनर्जी अपडेट्स रेजोनेट करते हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है। सो गाइस, मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे पॉडकास्ट्स को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो कोई भी अच्छी चीज़ आप कर सकते हो वो ज़रूर करें। कि DMDF जो है दोनों भी एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर आप आपके रियूनियन के बहुत ज़्यादा करीब हो तो उनके लिए जो है ये बात रेजोनेट करेगी कि आप और आपके DM दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो। आपके DM की एनर्जीज जो है बहुत अच्छे से पिक कर पाओगे कि वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, क्या नहीं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। DM के एनर्जीज़ की बात की जाए तो यस, उनकी तरफ से आपको मिसिंग एनर्जी जो है रिसीव होगी। DM आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, और जिन DFs का रियूनियन बहुत करीब आ चुका है उनके DM जो है आपको ऐसा फील होगा कि वो आपको कहीं ना कहीं सॉरी कहना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो वो आपको टेक्स्ट करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं या मिलने के लिए बुलाना चाहते हैं। ऐसी चीज़ें जो है आप DM की तरफ से जो है फील कर सकते हो। उनका ऐसा मन होगा उनका कि वो आपको कॉल करे, तो उस ड्यूरेशन आपको भी ऐसा फील होगा कि आप सडनली DM को कॉल कर दें या उनकी फ़ोटो देखें, उन्हें सोशल मीडिया पे स्टॉक करें। तो इस तरह से जो है आपको फील हो सकता है, ये उनकी एनर्जी है जो आप फील कर रहे हो, आप रिसीव कर रहे हो, इसकी वजह से आपको उन्हें स्टॉक करने का, उनसे बात करने का मन करेगा। जब उनके एनर्जीज़ की बात की जाए तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस एनर्जी में दिख रहा है। इस न्यू मून की एनर्जी मुझे इतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लग रही है, आपको ऐसा फील हो सकता है कि, लेकिन कोई भी एनर्जी गाइस नेगेटिव नहीं होती है। हर कोई चीज़ हमारे ट्रिगर्स, हमारे लेसन्स, हमारे लर्निंग्स के लिए ही होते हैं। हमारे कार्मिक्स भी हमारे लर्निंग्स के लिए ही होते हैं।
तो आपको इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये एक ट्रिगर है। ऐसे समझ के चीज़ों को लीजिए और उन्हें जो है हील करते जाइए। इस न्यू मून के ड्यूरेशन जो है आपको प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत होगी। ऑनेस्टली हर न्यू मून और हर फुल मून पे आपको प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी है, ताकि निगेटिविटी का जो है आप पे ज़्यादा अटैक ना हो, आप पे ज़्यादा इम्पैक्ट उस बात का ना पड़े। उसके बाद आप जो है इस ड्यूरेशन 2-3 दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ कि ज़्यादा आपको कभी बहुत अच्छा लग सकता है, आप बहुत पॉजिटिव रह सकते हो, आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपका कुछ करने का जो है मन नहीं कर रहा है, आपको स्वीट्स खाने की जो है क्रेविंग्स हो सकती है, आपको ऐसा लग सकता है कि आप थोड़े टाइम के लिए अच्छा फील कर रहे हो, फिर आप जो है लो फील कर रहे हो, या फिर आपको थोड़ी सी ऐसी घबराहट सी एनर्जी फील हो रही है। तो ऐसे एनर्जी में थोड़े अप डाउन्स या चेंजेस जो है आप महसूस करोगे, फील करोगे। इस ड्यूरेशन भी अगर आपकी एनर्जी इस तरह से रहती है कि कभी आप अच्छा फील कर रहे हो और कभी आप सैड फील कर रहे हो, तो उन सारी डीएफ्स और डीएम को जो है नेचर में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि आपने यूनिवर्स से थोड़ी ज़्यादा एनर्जी जो है पॉजिटिव एनर्जी, हीलिंग एनर्जी रिसीव कर ली है और उसकी वजह से जो है आप ऐसा फील कर रहे हो। तो मेक श्योर कि मेडिटेशन में अफर्मेशन दे कि ये एनर्जी जो है आपके बॉडी से रिलीज़ हो जाए। आप मदर अर्थ को ये एनर्जी जो है मेडिटेशन में बैठकर इंटेंशन रखकर सेंड कर सकते हो, नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हो, या फिर किसी क्रिएटिव चीज़ में अपने हॉबीज़ के ऊपर काम करके ये एनर्जी, एक्सेस एनर्जी को आप जो है रिलीज़ कर सकते हो। सो गाइस, चलिए यही था आज का एनर्जी अपडेट। और डेफिनेटली इस न्यू मून के ड्यूरेशन भी कई सारे लोगों के जो है रियूनियंस हो सकते हैं। सो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं ये पॉडकास्ट एंड करती हूँ। आई होप आपके साथ ये एनर्जी अपडेट रेजोनेट करे। ओके गाइस, बाय बाय।